जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। रोजाना की तरह दैनिक जन्म, आइए आज का सुविचार। 12 राशियों का फल, सबसे पहले मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। आज मकर संक्रांति है आपके लिए। जो मकर में सूर्य प्रवेश करे हैं वह भी विशेष शुभ और श्रेष्ठ फलदायी हैं। दूसरी राशि है वृक्ष। वृक्ष राशि वाले व्यक्ति आपको भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। मकर संक्रांति में आपको स्नान दान पुण्य करना है, तो आपको चाहिए कि प्रातः 7:26 से और 9:26 तक स्नान करें। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि वाले व्यक्ति आज आप कहीं भ्रमण घूमने की स्थिति के लिए जा सकते हैं। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वाले व्यक्ति आपको आज कृषि आदि जैसे क्षेत्रों से सफलताएं हाथ लग सकती हैं। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्ति भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग एवं व्यवसाय में विशेष उन्नति के योग बन सकते हैं। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वाले व्यक्ति आपको आज मकर संक्रांति ज्यादा ठीक नहीं है, अशुभ है, इसलिए आप सचेत सावधान रहें यात्रा इत्यादि से संबंधित। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वाले व्यक्ति आपको बहुत शुभ और श्रेष्ठ है मकर संक्रांति। आज आप कोई भी कार्य करते हैं तो उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आज आप कानूनी कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है या कोई कार्य ऐसा करते हैं उसमें विजय प्राप्त होगी। नवम राशि धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग आपको आज के दिन बन सकते हैं। दशम राशि मकर। मकर राशि वाले व्यक्ति आपको आज जो मकर में चंद्रमा है, मकर राशि में जो सूर्य प्रवेश कर रहे उसके लिए आपको भी मकर संक्रांति अशुभ है, इसलिए आप सचेत सतर्क और सावधान रहें। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि वाले व्यक्ति आज आप कहीं घूमने के बाहर जा सकते हैं अथवा कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो कि आपको भविष्य को लेकर के कोई विशेष, जैसे कि गाड़ी, वाहन, प्लॉट इत्यादि जो विशेष मुकाम तक पहुंचा जा सकते हो। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वाले व्यक्ति आपके लिए मकर संक्रांति विशेष शुभ श्रेष्ठ फलदायी है और आज आप कुछ भी कार्य करते हैं तो अति उत्तम कार्य रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।